मोहम्मद रफी साहब, एक बहुत ही प्यारा नाम, बहुत बड़ा नाम, जिनके बारे में कुछ कहना सूरज को चराग दिखाने के बराबर है। फिर भी कभी एक ऐसा मौका आता है जब कुछ कहना पड़ता है। वैसे भी उनकी उनके बारे में कुछ कहने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन एक वक्त ऐसा आया, 31 जुलाई, एक ऐसा दिन जब सुबह सुबह एक अजीब सी खबर सुनने को मिली। लेकिन क्या किया जा सकता है, मौत बरहक है, हर किसी को आनी है। लिहाजा ऐसा हुआ, रफी साहब नहीं रहे, हम सब उन्हें आज भी उसी तरह याद करते हैं, बल्कि पहले से भी ज्यादा, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही काम किया है, कुछ ऐसा काम किया, ऐसे गाने गाए हैं जिन्हें मोहम्मद रफी साहब को बड़े बड़े उस्तादों ने मान लिया, बड़े बड़े उस्तादों ने उनकी तारीफें की, उनका नाम ही रखा चौमुखा सिंगर, यानी एक ऐसा गायक जिन्होंने कोई भी अंदाज नहीं छोड़ा, और बहुत सारे अंदाज के वो खुद मालिक थे, वो बानी थे, वो फाउंडर थे, उन्होंने अपना स्टाइल जन्म दिया। और फिर एक ऐसा करेक्टर, ऐसा चेहरा, मेरी जैसे एक वल्नरेबिलिटीज बच्चा पैदा होता है, निष्पाप, पवित्र, मासूम, क्रिस्टल क्लियर कैरेक्टर, क्रिस्टल क्लियर जिस्म, क्रिस्टल क्लियर चेहरा, आंखें, मुस्कुराहट, सच्चाई, वही तमाम खूबियां उनकी आवाज में थी, उसी तरह क्रिस्टल क्लियर, इतनी खूबसूरत आवाज, ऐसी गायकी जिसके बारे में कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन बस यही है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके, मोहम्मद रफी साहब के चाहने वाले हमेशा ग्रेटेस्ट इंडियन के लिस्ट में नंबर 1 दिखना चाहते हैं, मोहम्मद रफी साहब को। लेकिन मैं उनके चाहने वालों को एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी उनका चाहने वाला हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद रफी साहब किसी भी दौड़, किसी भी इलेक्शन, किसी भी वोट के मुहताज नहीं हैं। उनको किसी दौड़ में शामिल करना ये सरासर उनकी तौहीन है, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंडियंस के लिस्ट में नहीं, बल्कि ग्रेटेस्ट मिस्टर यूनिवर्स के लिस्ट में है, नंबर 1। क्योंकि हम उन्हें चाहते हैं, हमने उनको सुना है और दिल से मोहब्बत की है, उनके गाने को पसंद किया है। तो मैं उनके चाहने वालों को ये बात बता दूं कि उनका एक चाहने वाला 1,000 चाहने वालों के बराबर है। लिहाजा ये दिमाग से निकाल लें और अपने दिल में तसल्ली रखें कि मोहम्मद रफी साहब एक ही हैं। न फनकार तुस्सा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। तेरा गम अगरचे बहुत है पुराना, तुझे मेरी हमसे बिछड़े वल्नरेबिलिटीज हुआ एक जमाना, तेरा नाम कोई नहीं भूल पाया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया।